आज के दिन ही भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसे विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हल्द्वानी के शहीद पार्क में इस विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों और आर्मी के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने विजय दिवस के मौके पर अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान सेना अधिकारियों ने विजय दिवस के मौके पर देश के वीर सैनिकों की शहादत को याद करते हुए कहा कि उस समय भी देश की सेना ने दुश्मनों को करारा जवाब देकर विजय हासिल की थी और आज भी भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। जो भी सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं एसपी सुनील कुमार मीणा ने भी शहीद को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है हमारा विजय दिवस। आज के दिन बहुत हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, जिसके पराक्रम के बल पे हमने एक बहुत बड़ी विजय पाई थी। उसी को याद करने के लिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए हमारे सभी देशवासियों को अपनी सेना पे और अपने सैनिकों पे गर्व होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी हिंदुस्तान की फौज है और जिस तरीके से 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर गलत नज़र डाली उनको मुंह की खानी पड़ी, और आज भी हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सब तैयार हैं चारों दिशाओं से। कोई बुरी नज़र अगर हिंदुस्तान के ऊपर उठाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे 71 की लड़ाई में हुआ। आप देखिए जिस तरीके से हमारी हिंदुस्तान की फौज है और जिस तरीके से 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर गलत नज़र डाली उनको मुंह की खानी पड़ी, और आज भी हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सब तैयार हैं चारों दिशाओं से। कोई बुरी नज़र अगर हिंदुस्तान के ऊपर उठाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे 71 की लड़ाई में हुआ। और हमारी सेनाएं हर मोर्चे पर तैयार हैं हर खतरे के लिए।